The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aur aaj hum baat karenge ek ऐसी टॉपिक पे जिसका नाम है डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुला, डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, ये सब क्या है? देखिए, आपकी पेट के अंदर होने वाला एक ऐसा गोलमाल है, ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पर क्या हो रहा है कि देर इज़ अ बल्जिंग सैक, पाउच, एक थैला बन गया है आपके इंटेस्टाइन्स के इनर वॉल पे. सोचिए, फिर से देखिए, आपके पेट में इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर वाले वॉल पे, बाहरी वॉल है, ठीक है, एक अंदर वाला वॉल है, अंदर वाले वॉल पे एक बल्जिंग बन गया, एक सैक बन गया, एक पाउच बन गया है, जिसको बोलते हैं डाइवर्टिकुला. एक बहुत सारे सैक्स को डाइवर्टिकुला बोलते हैं, एक सैक को डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, और इस बीमारी को डाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं. वाह 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 वाह, क्या है? डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुला, डाइवर्टिकुलोसिस, वाह वाह वाह. अब हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा फनी है मेडिकल लैंग्वेज. और मोस्ट ऑफन ये जो पाउचेस हैं, ये ऑब्वियसली देखिए, आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है तो ये अंदर हो रहा है, तो बड़ी इंटेस्टाइन होनी चाहिए. ऐसा पुचुक सी इंटेस्टाइन के अंदर तो जगह ही नहीं है, इसलिए ये लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादातर होते हैं, यानी कि आपके कोलोन में, ठीक है. मगर ये छोटे इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं, और लेकिन ये कम होते हैं, लेस कॉमन. क्यों होते हैं? एक तो समझिए, ये उम्र के साथ होते हैं, तो 40 साल से कम की उम्र में ज़्यादातर नहीं देखे जाते. और ये ज़्यादा उम्र के साथ, जैसे जैसे उम्र होती जाती है, उन लोगों में होते हैं, और मोस्ट कॉमन है 80 साल के आसपास, 80 साल के ऊपर. क्यों होते हैं, काहे को होते हैं, भगवान जाने, इसका कोई कारण नहीं पता, बस ये मिले हैं. एंडोस्कोपी किया, अंदर से देखा, तो देखा कि ये तो पाउच बने, तो थैले बने हुए हैं. ये क्या है? नवी चीज़, नवीन आविष्कार. सो ऐसी आविष्कार हुआ है, और कई सालों तक ये देखा गया था कि आप अगर एक लो फाइबर डाइट खा रहे हो तो फिर ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ड स्टूल होगा, स्ट्रेनिंग होगा, ताकत लगाएंगे तो कोलोन पे प्रेशर आता है, और उसके वजह से पाउचेस बन जाते हैं वीक स्पॉट्स पे, क्योंकि प्रेशर से वीक स्पॉट्स बनते हैं, वीक स्पॉट्स पे पाउचेस बन जाते हैं. लेकिन इसको प्रूव नहीं किया गया है, इस थ्योरी को, तो ये थ्योरी है. और भी पॉसिबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि मोटापा और लैक ऑफ एक्सरसाइज. और यहाँ पर ये देखा गया है कि कई जगह ऐसा बोला जाता है कि भई अगर आपने नट्स खाए, अगर आप पॉपकॉर्न खाओगे, कॉर्न खाओगे, तो ये डाइवर्टिकुला जो है, पाउच है, ये इसके इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाएगा. ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई प्रूवन चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. जस्ट टेलिंग, बिकॉज ऐसी वर्ड्स होते हैं, आपको सुनने को मिल सकते हैं. सो फिर से नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण. नामकरण कैसा है? एक सिंगल पाउच, थैला, डाइवर्टिकुलम, बहुत सारे डाइवर्टिकुला, और उसकी बीमारी, ऐसा होना, उसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस. अगर ये पाउच, अगर ये थैला, ये डाइवर्टिकुला क्युलम, इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके अंदर, वहाँ पर इरीटेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे, याद रखिए, जहाँ भी इन्फ्लामेशन है उसको आइटिस बोलते हैं, तो डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस. सो दैट्स हाउ इट इज. सो अगर किसी को अंदर डाइवर्टिकुलोसिस है, बहुत सारे डाइवर्टिकुलस है, तो उसको पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसको दर्द हो सकता है, उसको पेट में गैस, ब्लोटिंग हो सकती है, हो सकता है उसको भूख ना लगे, खाना खाने का मन ना करे. आपको ये हो सकता है कि लैट्रिन में, स्टूल में थोड़ा बहुत ब्लड नोटिस हो. सिवियर ब्लीडिंग बहुत रेयर है, माइनर माइनर ब्लड हो सकता है. इसके डायग्नोसिस के लिए आपको जो है कोलोनोस्कोपी नामक अंदर से जांच करानी पड़ेगी, जो हमने आपको पहले एक बार समझाई थी. नीचे से जांच होती है, कोलोन के अंदर पाइप डाल के कोलोनोस्कोपी,
कोलोनोस्कोपी से वो डिस्कवर होता है कि अरे ये का है, ये तो पाउच है, ये तो थैले हैं, ये क्या बना हुआ है, ये ऐसे पाउच दिखते हैं, वो पता चलता है तो एक दो तीन इतने सारे पाउच, दिस इज डायवर्टिकुलोसिस। सो उसके अलावा दूसरे कारण भी ढूंढने होते हैं, आपका सीटी स्कैन होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हुआ, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड होगा कि भाई अगर कोई दूसरे लूज टूल है, पेन है तो, और कोई कारण तो नहीं है। कोलोनोस्कोपी से डायग्नोसिस होता है, कोलोनोस्कोपी एक्यूट, लेकिन कोलोनोस्कोपी जो है एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस से नहीं की जाती, जब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और आप उसके नीचे पाइप डालोगे और ब्लीडिंग फाड़ दोगे, ऐसा नहीं करते। सो जब ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है तब की जाती है, ठीक है, तो उसमें छोटा सा कैमरा डाला जाता है। उसके अलावा एंजियोग्राफी करके देखी जा सकती है इंटेस्टाइन्स की, कि इंटेस्टाइन में जाने वाली खून की नसों में कहीं ब्लॉकेज, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, कुछ दिक्कतें तो नहीं हो गई। वो हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में समझाया कि भाई इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, क्लॉट बन सकता है, फलाना फलाना फलाना। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई अजीबोगरीब बीमारी का? देखो, इसकी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, कायदे से इसको कोई ट्रीटमेंट चाहिए भी नहीं, ना है ना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों को सिम्टम ही नहीं होते, लक्षण ही नहीं होते। कुछ लोगों को होते हैं पेट में दर्द, उल्टी, ये सब जो बताया, कुछ लोगों को लक्षण होते, ज़्यादातर लोगों को नहीं होते। तो ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट देना ही नहीं पड़ता। आप प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर क्या दे सकते हैं? डॉक्टर आपको बोलेंगे खूब सारा फाइबर खाओ, हाई फाइबर डाइट, मतलब कि अपने फाइबर वाले फूड खाओ। मतलब कौन से खाएंगे? सिंपल 5-6 फूड्स हैं, वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, होल ग्रेन्स खाना है, बीन्स खाना है, और लिमिट किस चीज़ को करोगे? प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करना है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, पानी पियो, पानी पानी खूब सारा पीना है, थोड़ी बहुत बढ़िया टाइप की एक्सरसाइज करनी है 10 से 15 मिनट, उसके बाद में आपने अपने फाइबर सप्लीमेंट ले सकते हैं, इसब गोल समथिंग लाइक दैट। सो उसके अलावा पेन ज़्यादा हो रहा है तो थोड़े बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी, एनसेट्स, ग्रूफिन, अप्रोक्सिन, समथिंग लाइक दैट। और कोलोनोस्कोपी में कभी कभी ऐसी जगह पे ब्लीडिंग दिख जाए तो वहाँ पर इंजेक्शन से ब्लीडिंग डाल के, इंजेक्शन लगा के ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। एंजियोग्राफी से अगर मान लीजिए हमें लगता है कि एक जगह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, हर बार हो रही है, इंजेक्शन इंजेक्शन नीचे अंदर से देते के देते थक गए हैं, तो उस खून की नस के अंदर एंजियोग्राफी करके वहाँ पर उसको क्लॉट किया जा सकता है। सो बहुत सारे अजीबोगरीब टेक्निक निकल आए हैं मेडिकल फील्ड में जो आपकी मदद कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका केस में क्या रिक्वायर्ड है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मगर अगर कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि कहीं से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, तुम जो कर लो हम रुकेंगे नहीं, ब्लीडिंग बोलती है, तो फिर वो थोड़ा सा पार्ट आपके इंटेस्टाइन का, कोलोन का काट के भी निकालना पड़ सकता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट हुआ, मगर ध्यान रखिएगा ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डायबिटिकुलोसिस को ज़्यादातर केसेस में कोई सिम्टम नहीं होते, कोई भी पाउच नहीं होते, पाउच आ जाएंगे तो रहेंगे, किसी दवा से पाउच ख़त्म नहीं होंगे। अब 25% केसेस में, सिर्फ 25% केसेस में कभी ना कभी इन्फ्लामेशन हो सकता है, डायवर्टिकुलोसिस हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। उनमें भी कुछ ही लोग होंगे जिनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनको कोई सीरियस ट्रीटमेंट का आवश्यकता पड़ेगी। तो डिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कभी अगर किसी ने ट्रीटमेंट कराया ही नहीं और दिक्कत बढ़ती गई, तो कुछ परसेंटेज लोगों को परफोरेशन हो सकता है, कोलोन थोड़ा छोटा हो सकता है, पॉकेट जो पाउच बना है उसमें इन्फेक्शन फर सकता है, एब्सेस बन सकता है, पस भर सकता है, कभी कभार इंटेस्टाइन से दूसरे किसी पार्ट को फिस्चुला, एक टनल बन सकती है, सुरंग बन सकती है, याद रखिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो इसीलिए अगर लक्षण है तो जांच कराइए, जांच में निकलती है तो बीमारी का इलाज करिए, यही रूल है, यही हिसाब किताब है, और कुछ नहीं। तो ये जानकारी आगे फैलाइए, सबको दीजिए, सबका भला करिए, और याद रखिए डॉक्टर आपके साथ काम करता है। अगर आप अपना नॉलेज खुद नहीं बढ़ाओगे तो आप भाई साहब ठगे जाओगे। तो कृपया अपना नॉलेज बढ़ाइए, बीमारी कैसी भी हो थोड़ी बहुत जानकारी लेने में क्या नुकसान है, 10 मिनट का काम। सो प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज आई हैव ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।